हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग एमए इंटरनेशनल रिलेशन या रीजनल स्टडीज के बारे में आप लोग आगे चलकर एमए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं या प्लेसेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि विच ऑल आर द यूनिवर्सिटीज विच कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ऑफर कोर्सेज इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैक्सिमम तो आप लोग जानते हैं कि जेएनयू का दो प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोग ये एमए के लिए एंट्रेंस के एग्जाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग ऐसे हैं जो अगले साल के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग इन शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया, आप उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। हम लोग आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इंडिविजुअली पर्सनली हम लोग गाइड करेंगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कब फॉर्म आ जाएगा, किसका कितना फीस स्ट्रक्चर है, सारा चीज हम लोग आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कब फॉर्म निकला, कैसे फिलअप करना, उससे बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं और लोग सही टाइम पे एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं, तो वो परेशानी ना हो इसलिए हम लोग आपको 100% हर एक लेवल पे गाइड करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इन शॉर्ट हम लोग जिसको आईआर बोलते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग अगर स्टार्ट करें दिल्ली से, तो दिल्ली में तीन प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये कोर्स ऑफर करती है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में तो पता ही नहीं था कि वो भी इस टाइप के कोर्स ऑफर करते हैं। कुछ लोगों को पता था कि कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन उसमें क्या एंट्रेंस में आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, वो उनको पता नहीं था। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इसको पूरा देखिए। तो पहला है आपका जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो जेएनयू ऑफर कोर्सेज इन टू डिफरेंट एरियाज, वन इज आईआर एंड आईआरएएस, दिस मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। दूसरा है एमए पॉलिटिक्स, सो दिस इज स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, और इन शॉर्ट वी कॉल इट पीआईएसएम। पीआईएसएम इज द कोर्स नेम, पीआईएसएम इन शॉर्ट इसको कोर्स नंबर भी आप बोल सकते हैं, कोर्स नेम भी बोल सकते हैं। सो जेएनयू की अगर मैं बात करूं तो ये दो कोर्सेज होते हैं। दूसरा आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जे एम आई। जामिया मिलिया इस्लामिया भी आपका कोर्स ऑफर करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आप या तो जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं, जामिया में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटीज है जो कि कोर्स ऑफर करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन इन्हें रीजनल पर्सपेक्टिव, वह है आपका साउथ। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। अब साउथ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, क्योंकि जब इस बार हम लोगों ने लोगों को बताया कि साउथ का एंट्रेंस का डेट आ गया है, रिजल्ट आ गया है, तो बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि सर साउथ क्या होता है, उसका फॉर्म कब निकलता है। मैं आपको बता दूं कि सारे यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले साउथ का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, इसलिए जितने लोग ऐसे हैं जो साउथ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो प्लीज आप रजिस्टर कर ले, और साउथ का क्या क्या बेनिफिट है वो सारे हम लोग डिटेल एक वीडियो में बताएंगे जब हम लोग 100% साउथ के बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो आपका एमए ऑफर करता है वो साउथ एशियन कंट्रीज, उनका ज्यादा स्पेसिफिक फोकस होता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे कंट्रीज को बोलो ज्यादा फोकस करती है। इनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी सारा इसी इन्हीं रीजनल, या आप ये बोल सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज या जो सार्क के मेंबर्स हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑल दोज कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ सार्क, विच आर साउथ सार्क मेंबर्स, सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रिलेशन टू दोज कंट्रीज ऑनली। और उसके साथ आपके पॉलिटिकल थ्योरी या इंटरनेशनल रिलेशन के जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा दो और प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोर्सेज ऑफर करती है,
लेकिन उनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो फोर्थ है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यह लगता था कि या तो जेएनयू ऑफर करती है या जामिया ऑफर करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है। लेकिन इनका क्या है कि इनका जो आईआर का कोर्स है ये स्पेसिफिक टू ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये स्पेसिफिक टू ईस्ट एशियन कंट्रीज ही हैं, यानी ईस्ट एशियन में आपका जो है। और इनका जो मेजर फोकस होता है चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, थाईलैंड कम होता है, लेकिन कोरिया, चाइना, जापान ये तीनों के बारे में ये ज्यादा पढ़ाई भी कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी ये कराते हैं। तो आप लोगों में से ऐसे हैं जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फिफ्थ है जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं वो है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, साउथ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। सबसे अच्छी बात यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सभी लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, जेएमआई में सभी लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। साउथ में क्या है कि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती है इंडियन स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 15 सीट्स होती है। लेकिन जिस तरीके से जेएनयू में सभी बच्चों को हॉस्टल मिलता है, वैसे ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों को हॉस्टल मिलता है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आईआर में दो अलग अलग कोर्सेस है, एक आपका जनरल आईआर होता है जैसे कि ये आपका हो गया, दूसरा है जिनका फोकस आपके साउथ एशियन कंट्रीज है, जैसे ये आपका साउथ एशियन कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करता है, वैसे ही इनका एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल रिलेशन का एमए प्रोग्राम है जिनका फोकस साउथ एशियन कंट्रीज पे ही ज्यादा होता है। और इन्हीं बाकी अगर आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो हायर स्टडीज के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप लोग इसको तो जरूर कर सकते हैं। ये हो गया जेएनयू, हो गया जामिया, हो गया, क्योंकि ये सारे कोर्सेस हैं जहां पे एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम को ऑफर किया जाता है और आप डायरेक्ट पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। सो फाइव यूनिवर्सिटीज दैट वी थॉट ऑफ डिस्कसिंग विथ यूर पीपल, लेट मी जस्ट रिपीट इट, इट्स जेएनयू। इन जेएनयू दे ऑफर टू डिफरेंट कोर्सेस, वन इज एमए आईआर एंड एएस एरिया स्टडी, एंड वन इज एमए पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज। जामिया आईआर इज अगेन इन जनरल, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी रीजन। द थर्ड इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इट्स स्पेसिफिक टू साउथ एशियन नेशंस, स्पेशली द साउथ कंट्री। द फोर्थ इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे हैव ए स्पेसिफिक कोर्स एंड देयर फोकस इज ऑन ईस्ट एशियन कंट्रीज, बेसिकली दे कवर थ्री कंट्रीज, चाइना, जापान एंड कोरिया, both North Korea and South Korea. And Pondicherry University, they have two different MA program in international relation. One is general international relation and the second area studies, which is specific to South Asian countries and it's MA in South Asian countries. So these are five different universities which offer courses for your MA in international relation. So aap log mein se aise hain jo आगे अगले साल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल के लिए आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इन पांच यूनिवर्सिटीज का आप लोग को एटलीस्ट फॉर्म तो फिलअप करना ही करना चाहिए। और आप किसी भी कोर्सेज से हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ये पांचों में से कोई भी यूनिवर्सिटीज का या पांचों के पांचों का आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर मैं एमए मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स से हूँ या एमए बीएससी मैथमेटिक्स से हूँ या बीए हिस्ट्री से हूँ, सो कैन आई फिल द फॉर्म और नॉट। ऑफकोर्स यू कैन फिल द फॉर्म, देर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ विच कोर्सेज यू हैव स्टडीड, इट्स मोस्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ मच परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड इन योर ग्रेजुएशन मार्क्स, सो दैट्स ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ग्रुप में। और जितने लोग हैं जो अगले साल आप लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है एक गूगल फॉर्म दिया गया, उसको फिलअप कर लीजिए। हम लोग आपको 100% असिस्ट करेंगे राइट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आपको क्या पढ़ाई करना है, क्योंकि हम लोग जो है कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं जहां पे आप सभी यूनिवर्सिटीज को कवर अप कीजिएगा, और उसके अलावा किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, कब फॉर्म फिलअप आएगा, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग।
इसके अलावा इफ यू हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन कॉल अस और मैसेजेस व्हाट्सएप अस. हम लोगों का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन कॉल अस, आई मीन मोस्टली इट्स मच बेटर इफ यू कॉल अस बिफोर 10 PM, फ्रॉम 9 AM टू 10 PM, बट देन यू कैन लीव अस ए मैसेज, विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल. और अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में जाके कॉमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चन एज क्विकली एज पॉसिबल. सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड चेरिश. थैंक यू.